हेलो एजेंट, आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में 16 फरवरी के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा पहला है, सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका, बी यूएई, सी बांग्लादेश, डी जापान। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूएई में सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस जो है खोला जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अबू धाबी में सीबीएसई का ऑफिस खुलेगा। पिछले महीने में आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स कोर्स शुरू हुआ है। सीबीएसई का ऑफिस दुबई में खुलने वाला है। प्रश्न नंबर दो हमारा है, पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओमान, बी कतर, सी यूएई, डी सऊदी अरब। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूएई में पीएम मोदी द्वारा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो कि यूएई में स्थित है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर जो है, स्थान जो है अल वाकबा अबू धाबी यूएई में स्थित है। 1997 में हिंदू मंदिर की कल्पना की गई थी और 2015 में भूमि आवंटित की गई थी वहां पर, और शिलान्यास इसका जो हुआ था 2019 में हुआ था, और उद्घाटन 2024 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा तीन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी लंदन, डी दुबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए जो है दुबई ने समझौता किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 4 बैटरी पैक द्वारा संचालित होता है। इसकी अधिकतम सीमा 161 किलोमीटर होगी। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कतर, बी जॉर्डन, सी साउथ कोरिया, डी ईरान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, कतर ने एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। एएफसी एशिया कप 2023 का आयोजन 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक कतर में किया गया है। 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था और कतर ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी विधि आयोग, सी ओबीसी आयोग, डी एससी आयोग। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है। नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने और उसका जीर्णोद्धार करना ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है। इस पहल के द्वारा 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रणजीत कुमार अग्रवाल, बी नवाब सलाम, सी चरणजोत नंदा, डी नवीन तहिरयानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। न्यायाधीश नवाब सलाम लेबनान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने अमेरिका के न्यायाधीश जॉन ई डोनाग्यू का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले जॉन ई डोनाग्यू अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, उषा किरण खान का निधन हो गया, वह कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, बी समाजसेवी, सी अभिनेत्री, डी साहित्यकार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उषा किरण खान का निधन हो गया, वो साहित्यकार थी। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान, जो कि बिहार से संबंध रखती थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यमन, डी त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
त्रिनिनाद और टोबैगो में हाल ही में आपातकाल की घोषणा जो है की गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो सरकार ने तेल से भरे एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की है। इस जहाज का तेल कम से कम 15 किलोमीटर इलाके में फैल गया है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार का फुल फॉर्म है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।